भारत माता की जय। भारत माता की जय। सम्राट अशोक अमर रहे। सम्राट अशोक अमर रहे। राजधानी पटना के बाबू सभागार में बीजेपी की ओर से सम्राट अशोक जयंती का आयोजन किया गया। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर प्रदेश स्तर तक के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए। इस कार्यक्रम में ऐलान हो गया कि अगले साल पटना के गांधी मैदान में सम्राट अशोक जयंती का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कुशवाहा समाज बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। लौ कुश भगवान राम की संतान रहे हैं और राम को लेकर सबसे ज्यादा आस्था किसने दिखाई, यह बात यूपी में साबित हो चुकी है। सुशील मोदी ने कहा कि अगले साल गांधी मैदान में सम्राट अशोक की जयंती मनाई जानी चाहिए। और मैं सम्राट प्रौद्योगिकी से कहना चाहूंगा, ये तो 5000 का हॉल है, अगले साल पटना के गांधी मैदान में 1,00,000 से ज्यादा कुशवाहा समाज के लोगों को इकट्ठा कीजिए। और ये बता दीजिए, लव और कुश बोलते हैं, लव कुश किसकी संतान थे? भगवान राम के संतान थे। और भगवान राम किनके साथ हैं? मौर्य जी जहां से आते हैं वहां भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो जहां राम है वहीं लव और कुश है। लव और कुश ने बिहार की पाटलिपुत्र की धरती, सम्राट अशोक की धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, गुप्त वंश की धरती है। जब वह धरती है जब सम्राट अशोक के जमाने में पूरे दुनिया का 70% सारा कारोबार, संस्कृति और पढ़ाई इसी पाटलिपुत्र की धरती पर होता था। बिहार एक गौरवशाली प्रदेश रहा है और जिस पाटलिपुत्र की धरती पर आज हम सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं, यह धरती मामूली धरती नहीं है। इस धरती से सम्राट अशोक ने हिंदू कल से लेकर अफगानिस्तान तक, बंगाल से लेकर पूरे इस क्षेत्र में उन्होंने अपना शासन किया। दरअसल सम्राट अशोक की जयंती के बहाने बिहार में राजनीतिक दलों की नजर लौ कुश समाज के वोट बैंक पर है। सो बीजेपी सम्राट अशोक की जयंती 8 अप्रैल को मना रही है। वहीं उसकी राजनीतिक सहयोगी जेडीयू 9 अप्रैल को जयंती मनाने जा रहा है। अलग अलग जयंती मनाने का तर्क भी अलग अलग है, चूंकि सम्राट अशोक की जन्मतिथि का कोई साक्ष्य नहीं है तो दोनों दलों के पास अपने अपने आधार पर जयंती मनाने का अधिकार है। कुशवाहा समाज को लुभाने के लिए बीजेपी के कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। करीब 17% कुशवाहा आबादी को लुभाने के लिए सभी दल अपने कुशवाहा समाज के नेताओं को आगे करने में जुट गए हैं, लेकिन सम्राट अशोक के नाम का फायदा किस दल को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। देशवा न्यूज के लिए पटना से रंजीत सम्राट की रिपोर्ट।